दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान की। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मॉडल को डिजाइन किया। ये मॉडल है 20x70 20x70 फिट का ये प्लॉट पूरा बना हुआ है। और जो रिक्वायरमेंट थी इनकी लगभग 6 बेडरूम की थी, 6 बेडरूम होनी चाहिए और साथ साथ कार पार्किंग हो और बेहतरीन सा डिजाइन हो फ्रंट। इसको उनको केवल ग्राउंड फ्लोर की ही रिक्वायरमेंट थी, तो इन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आज हाउस क्रिएट किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी मॉडल का आज डिस्कस करेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसका साइज़ वगैरह क्या है और इसको जो लागत आने वाली है, जो इसमें खर्च होगा, स्पेंड होगा, वो कितना होने वाला है। तो आप बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन छागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करने, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार लेटेस्ट और अपडेट वीडियो मिलते रहते हैं जो आप कभी भी देख कर बनवा सकते हैं। और मैं ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट में ही वीडियो यहाँ क्रिएट करता हूँ 3D। अगर आप 2D इसका प्लान चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होगा। पे करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर कॉल नहीं होगा, आप हमें व्हाट्सअप पर ही कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करिएगा। और पेमेंट करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचिए, जब हमसे बात हो जाए तभी आप पेमेंट करें, किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। और एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, आप जो भी कमेंट्स बॉक्स में नंबर आते हैं ना, कि उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मुझसे कांटेक्ट करिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स से नंबर निकाल कर कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके साथ फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाता है तो आप उसकी मेरी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप हमें उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो आज का जो प्लान है 20x70 का, उसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर ये पूरा मॉडल है जो कि रिक्वायर्ड था। और यहाँ पर जो मैंने पिलर बनाए हैं, दो पिलर देख सकते हैं, उसमें मेन डोर है, काफ़ी बड़ा सा डोर दिख रहा है। साथ ही मैंने प्लांटेशन वगैरह कर रखा है और डेकोरेशन के लिए लाइट्स वगैरह भी लगा रखी हैं जो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे। 20 इसका फ्रंट है, 70 इसकी लंबाई टोटल ओवरऑल लेंथ 70 है, विड्थ इसकी 20 फिट है। अगर फ्रंट से देखें तो इसकी ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं फ्रंट का जो भी मैंने दिया है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो ये देखिए, मैं मैक्सिमम जूम करके दिखाता हूँ, इससे आपको चीज़ें रियलिस्टिक लगे और अच्छी देखने में भी लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले दो पिलर लगते हैं और पिलर पर आपका मेन डोर टिका हुआ है। उसके जस्ट बगल में गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में एक विंडो मैंने दिया है जिससे प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता रहे। और जैसे आप अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको कार पार्किंग ही मिल जाती है। और इसी कार पार्किंग के नीचे आपकी स्टेयर्स है, स्टेयर्स के नीचे होते हुए आपको कार पार्किंग करनी होगी और यही कार पार्किंग के लिए एरिया है। इसके जस्ट बगल में गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में मैंने एक्सेस करने के लिए एक डोर दिया है अंदर से और दो आपकी विंडो है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। गेस्ट रूम के जस्ट पीछे अगर जाते हैं तो लेट एंड बाथ बड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इनकी एक लेट एंड बाथ की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने एक लेट एंड बाथ ही क्रिएट किया है इसका। जैसे आप इस डोर से अंदर जाते हो तो आपको एक ओपन बेडरूम मिलता है, आप यहाँ पर अपने सोफे वगैरह लगा सकते हैं या आप एज ऐसे बेडरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी बेडरूम से होते हुए आपको पीछे जाना होगा। उसके जस्ट बगल में आपको एक क्लोज्ड बेडरूम मिलता है जो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, जो भी अगर आप पर्सनल इसको बनाना चाहते हैं तो पर्सनल भी बना सकते हैं। इसका अंदर पहुँचते तो ये आपका बड़ा सा लॉन है या जिसे आंगन भी बोल सकते हैं, इस लॉन से ही आपकी सभी जगह एंट्री होती है। तो देखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन और करना चाहते हैं तो इस आंगन पर आपको जाल रखवाना होगा जिससे छत से आपकी धूप वगैरह प्रॉपर आती रहे, वेंटिलेट होता रहे पूरा घर। वहीं बात करें इस वाले बेडरूम की तो ये आपके एक बेडरूम मिलता है। इसके बेडरूम के जस्ट बगल में ये आपका किचन एरिया है और इस किचन के बगल में आपका पूजा घर है। और इसके बाद दो पीछे बेडरूम मिलते हैं, एक देखिए काफ़ी बड़ा सा बेडरूम आपको देखने को मिलता है ये जो आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद ये एक बेडरूम, इस बेडरूम मैंने छोटा कर दिया है थोड़ा सा, उसका कारण ये है कि मैंने कॉर्नर पर भी वेंटिलेशन दिया है, क्योंकि घर काफ़ी लंबा है, 70 फीट बहुत जगह होती है, तो इसमें पीछे से भी आपको एक जाल रखवा सकते हैं। ये जो मैंने जगह छोड़ी यहाँ पर जाल रखवाइएगा, तो इस जाल से आपके ये दोनों बेडरूम प्रॉपर वेंटिलेट होते रहेंगे, हवा धूप वगैरह जो भी क्रॉस होती रहेगी और आपके घर तक पहुँचती रहेगी। तो इन दोनों बेडरूम्स का मैंने इसीलिए यहाँ से वेंटिलेशन दिया है कॉर्नर से, और इसका आपको यहाँ से वेंटिलेशन कर सकते हैं और आगे आपका वेंटिलेट ही है। तो टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो आपको 6 बेडरूम मिलते हैं, एक बड़ा सा लॉन मिलता है, कार पार्किंग मिलती है, स्टेयर्स मिलती है, लेट एंड बाथ मिलता है, किचन मिलता है, पूजा घर मिलता है, मतलब जो घर में रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो सभी 20x70 फिट में आपको
मिल जाती हैं। बेडरूम्स की संख्या इनको ज़्यादा चाहिए थी, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा बेडरूम्स क्रिएट किए हैं। तो ये ओवरऑल 20x70 फीट में मकान बना हुआ है। अगर देखिएगा, ये बोल रहे थे मुझे एक बेडरूम और चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बेडरूम और दे सकता था, लेकिन आप उसी बेडरूम से पास होकर अंदर जाना पड़ेगा, तो उस बेडरूम का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। तो इन चीज़ों को आप डेकोरेट करिएगा, आप समझिएगा, अगर आपको एक बेडरूम और बनाना है तो आप इस वॉल को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसको भी एज अ बेडरूम कंसिडर कर सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है आप क्या चाहते हैं। तो ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे जाते हैं, तो सबसे पहले 3.5 फीट का अप्रॉक्स में बाउंड्री वॉल, चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, और स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, उसके ऊपर आपका पानी का टैंक रखा हुआ, वाटर टैंक जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर ये बेडरूम्स और ये ग्रिल, ग्रिल का जो डिज़ाइन है दोस्तों एल शेप में है, आप देख सकते हैं ग्रिल का ये डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है, और ये आप किसी भी मिस्त्री को दिखाइएगा आसानी से डिज़ाइन बना देगा, और ये स्टील की रेलिंग लगी हुई है। तो ये ओवरऑल जो पूरा प्लान मैंने क्लियर किया 20x70 में, आपको कैसा लगा अपना ओपिनियन दीजिएगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। जैसा कि मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूँ कि अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो, ऐसे मॉडल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।